दिवाली को लेकर रुद्रपुर के बाजार में रौनक दिखाई दे रही है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि धनतेरस से ही बाजार में भीड़ उमड़ने लगती है। लोग धनतेरस से लेकर दीपावली तक जमकर शॉपिंग करते हैं। इस बार बाजार की गुलजार होने पर व्यापारी तबका भी दीपावली को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहा है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से लोग त्योहार नहीं मना पा रहे थे, जिसका असर बाजार में देखने को मिल रहा था। पर अब कोरोना संक्रमण का दौर लगभग खत्म हो चुका है। यही कारण है कि बाजारों में त्योहार के मौके पर रौनक लौट आई है। दिवाली को लेकर रुद्रपुर का पूरा बाजार त्योहार संबंधित सामानों से सजा हुआ है। बाजार में खरीदारों की भीड़ दिखाई दे रही है, जिसके चलते व्यापारी वर्ग काफी उत्साहित है और उनके चेहरे खिल उठे हैं। रुद्रपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि दीपावली तक बाजार में 100 करोड़ रुपए तक के व्यापार होने की उम्मीद है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, पिछले 2 साल तो हमारे कोरोना काल के अंदर है, हमारा कारोबार नहीं हुआ, लेकिन इस साल हमारा कारोबार बहुत अच्छा कारोबार हो रहा है। कल ऑटो सेक्टर में लगभग 20 करोड़ रुपए का और अन्य सेक्टर में लगभग 15 करोड़ का, रुद्रपुर शहर के अंदर 35 करोड़ का व्यापार हुआ कल के दिन में। और मुझे लगता है कि अब आज और कल बहुत अच्छा कारोबार रहने की उम्मीद है। अब की बार हम 100 करोड़ से ऊपर निकल जाएंगे और हमारे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए, हमारे व्यापारी बहुत खुश हैं। समय बहुत अच्छे तरीके से हमारी दीपावली जा रही है। समय